हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ कक्षा छठी यानी कि क्लास सिक्स का जो आपके प्रोजेक्ट के आंसर है जो आपको सितंबर महीने में मिले थे, तो उनके हम आपको आंसर बताएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के वीडियोज़ के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे तो वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य है, तो इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य के हम आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो में, और आपको ऐसे आंसर्स बताएंगे कि आपको 20 में से 20 पूरे नंबर मिलेंगे। हम जैसा बताते हैं तो आपको ऐसे ही जो है प्रोजेक्ट लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो 10 नंबर के दो क्वेश्चन दे रखे हैं इंग्लिश प्रोजेक्ट के, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ अ लिटिल प्लांट व्हेन इट कम आउट ऑफ द सीड यू कैन मेंशन। तो ये आपका प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है। तो देखिए, अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो आप इसको प्लेन शीट के ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर कॉपी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड इट सी, तो इसका आंसर आपको लिखना है। जो यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये सारा आपको इसका आंसर लिखना है, इसके नीचे ऐसे ही डाल के आपको इसका आंसर लिखना है। प्लांट्स द ओनली लिविंग थिंग्स ड्राइव्स अस ऑल, आई लव प्लांट्स मोर देन एनीथिंग। उसके बाद देखिए, पहले क्वेश्चन में ही बी वाला है, पूछा गया है आपसे हाउ इट फेल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर ही जो है पांच छह चीज़ें पूछी गई है, व्हेन द विंड ब्लो, तो यानी कि जब हवा चलती है तो प्लांट्स जो है क्या कैसा जो है क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है व्हेन द सन शो, ठीक है, जब जो धूप है उसकी रोशनी पड़ती है प्लांट्स पे तो फिर क्या होता है। तो ऐसे ही आपको तीन चार पॉइंटों के अंदर इन्होंने दे रखा है, आपको तीन या चार लाइन के अंदर अंदर ऐसे ही लिख देना है। और सभी सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट के कार्य के उत्तर हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है व्हेन द नाइट कम, तो देखिए जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये कब का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये आंसर लिखने हैं जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। प्लांट डोंट स्लिप लाइक अस, ठीक है। उसके बाद पूछा गया व्हेन इट रेन, तो यहाँ पे इसके पांच छः पॉइंट पूछे गए थे, पांच छः पॉइंटों के अंदर जो हमने आंसर आपको बता दिया है। उसके बाद इसी का है जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपके इंग्लिश के प्रोजेक्ट का, तो क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्क्राइब ए ड्रीम डैट यू हैव सीन रिसेंटली, यू कैन यूज़ फॉलोइंग हिंट्स। उसके बाद पूछे गए ए में डाल के ऐसे पूछे गए व्हाट वाज द ड्रीम, यानी कि आप अगर आपने कोई सपना है देखा है तो सपने के बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमने चार लाइन के अंदर लिख रखा है, आई कैन क्लियरली रिमेंबर आर ड्रीम इन विच, आप अपनी सपना भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आई कैन क्लियरली रिमेंबर आर ड्रीम इन विच आई वॉज द किंग ऑफ लार्ज किंगडम, इट वॉज अ स्ट्रेंज एंड यूनिक ड्रीम एज आई हैड नेवर सीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रीम के बारे में बता दिए, तो इन्होंने ड्रीम के बारे में पूछा था, तो ये आपका ए वाले का आंसर हो गया। तो उसके बाद बी में भी आपको बताना है, तो पहले आपको आप इनकी जो हेडिंग है इनको आप कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए बी वाले में आपका क्या आएगा, तो बी वाले में पूछा है हु वॉज इन द ड्रीम, यानी कि सपने के अंदर कौन था। तो देखिए, देयर वर किंग्स क्वीन एंड सच पावरफुल पर्सन्स इन द ड्रीम, तो आपको ये लाइन लिख देनी है। ऐसे ही आपको ए डाल के बी डाल के ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट पूरा बनाना है। अगर आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पूरे 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, और सभी प्रोजेक्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आपके सी वाला आ जाता है, व्हाट हैपन इन द ड्रीम, उसके बाद लास्ट आता है इज इट गुड ड्रीम। तो ये चारों पॉइंट आपको लिखने हैं ए बी सी डी तक, और यहाँ पे आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो गया है। सभी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।